आज इस वीडियो में मैं आपको स्प्लाइन कमांड के बारे में बताऊंगा। ऑटो कैड में हम टू टाइप के स्प्लाइन यूज करते हैं, स्प्लाइन फिट और स्प्लाइन सीवी। स्प्लाइन फिट में आपको फिट पॉइंट्स होंगे और स्प्लाइन सीवी में कंट्रोल वर्टेक्स आपको दिखाई देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर ड्रॉ पैनल में जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्प्लाइन फिट और स्प्लाइन सीवी। तो आप यहाँ पर कमांड लाइन में भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर STL टाइप करता हूँ, STL एंटर। तो देखिए स्प्लाइन कमांड आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, STL इसकी कमांड होती है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे तो मैं मेथड्स में जाऊँगा तो यहाँ पर आप फिट और सीवी देख सकते हैं। तो ऐसे भी आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ड्रॉ पैनल में जाएंगे और यहाँ पर स्प्लाइन फिट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कुछ शेप ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर अपने माउस से एक बार क्लिक कर चुका हूँ, अब आपको अपने माउस को मूव करना है और ऐसे क्लिक करते रहना है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और अब स्प्लाइन कमांड से बाहर आने के लिए आप अपने माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए ये स्प्लाइन फिट यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। अब हम यहाँ पर स्प्लाइन सीवी सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखिए हम ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं इसे भी। अब आपको माउस का राइट क्लिक प्रेस करना है और एंटर कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पर दो यहाँ पर स्प्लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, स्प्लाइन फिट और स्प्लाइन सीवी। तो इनमें आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर जो इसकी ग्रिप देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो फिट पॉइंट है वो स्प्लाइन के ऊपर ही आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोल वर्टेक्स आप देख सकते हैं, दीज आर कंट्रोल वर्टेक्स। तो ये स्प्लाइन को यहाँ से कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं इनका। जैसे आप यहाँ पर एक एरो देख रहे हैं, इस पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप इसको फिट में भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए फिट में ये चेंज हो चुका है। अब अगर हमें इसको दोबारा कंट्रोल वर्टेक्स में चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक बार और दोबारा ये कंट्रोल वर्टेक्स में चेंज हो जाएगा। ओके, ये देखिए हो चुका है। ऐसे ही आप इसको चेंज कर सकते हैं और सबसे लास्ट में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप इसको ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको इसके फिट पॉइंट को ऐसे क्लिक करने के बाद इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और ऐसे आप ड्रैग करके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर एक इसके जो फिट पॉइंट है उस पर अपना कर्सर लेके आता हूँ तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेच फिट पॉइंट, ऐड फिट पॉइंट एंड रिमूव फिट पॉइंट। तो जैसे हम स्ट्रेच फिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम इसको ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐड फिट पॉइंट, यहाँ पर आप दूसरा कोई फिट पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक फिट पॉइंट ये वाला ऐड हो चुका है। तो ऐसे आप डिफरेंट टाइप्स के फिट पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए एक और फिट पॉइंट यहाँ पर ऐड हो चुका है और ये फिट पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड होगा इस टाइप से। तो आप इसको और भी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्प्लाइन कमांड है ऑटोकैड में हम उनका यूज़ करते हैं कोई जो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है उसको ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर आप इस टाइप से कर सकते हैं। मैं रिमूव फिट पॉइंट पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए तो आप ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर फिट यहाँ पर इस पर स्प्लाइन सीवी में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे। और जैसे मैं यहाँ पर कर्सर लेके आ रहा हूँ, बस क्लिक नहीं करना, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक और कंट्रोल वर्टेक्स पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर रिफाइन वर्टेक्स करने के लिए आप ऐसे रिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रिफाइन करता हूँ तो ये रिफाइन आपको होता हुआ थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, स्मूथनेस इसमें आ रही है। ये देखिए रिफाइन, उसके बाद रिमूव कर सकते हैं आप ऐसे। तो इस टाइप से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको एक इमेज ट्रेस करके दिखाता हूँ कैसे हम स्प्लाइन कमांड यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और अटैच में जाएंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ से हम एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पर ओके पर टाइप क्लिक करेंगे और आपको अपनी स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करना है और अपने माउस को थोड़ा मूव कराना है ऐसे। अब आपको जितना भी इसका स्केल रखना है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ओके, तो ऐसे ये देखिए यहाँ पर इमेज इंसर्ट हो चुकी है। अब आप दोबारा होम टैब में चले जाएंगे वापस। अब हम इसको स्प्लाइन कमांड से ट्रेस करेंगे। हम इसको करेंगे स्प्लाइन फिट से और इसको स्प्लाइन सीवी से ट्रेस करते हैं। तो अभी हम अपनी जो लाइन है, देखिए आप लाइन का जो कलर है वो वाइट है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। पहले यहाँ पर लेयर में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए आप, हम स्प्लाइन फिट कमांड सिलेक्ट करते हैं और इस ग्लास को यहाँ पर हम ट्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहला पॉइंट
ये सिलेक्ट करता हूँ, और देखिए हमें यहाँ पर अपना कर्सर भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कर्सर का कलर भी चेंज कर लीजिए। ऑप्शन में जाएंगे आप, सबसे पहले ओपी टाइप करिए और यहाँ पर कलर्स में जाइए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोसेयर, तो इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसका कलर रेड सिलेक्ट करता हूँ और ओके, तो देखिए ये रेड हो चुका है, अब हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर बैकग्राउंड पर इमेज के। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ स्प्लाइन फिट, इसको यहाँ से ट्रेस करना स्टार्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पर मैंने एक क्लिक कर दिया है, अब ऐसे ही मैं क्लिक करता रहूँगा इस टाइप से, अब यहाँ पर ऐसे हम इसको अपने जो माउस है उसका बीच का बटन दबा के इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, जूम इन माउस कर सकते हैं और पैन भी कर सकते हैं। तो ऐसे मैं पैन करके थोड़ा और ऊपर इसको लेके आऊँगा, तो इस टाइप से। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर इजली प्रेस कर पा रहे हैं, आपको बस क्लिक करते रहना है और ऐसे आप मिडिल माउस बटन प्रेस करके इसको पैन करेंगे, जिससे आपको पूरा पिक्चर है जो वो दिखाई दे। जैसे आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अब आपको यहाँ से इसको थोड़ा रोटेट कराना है, तो आप यहाँ पर दो पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए एक बार, जिससे वो इजली यहाँ से रोटेट हो जाए और हमारे जो लाइन है वो सीधी ड्रॉ हो। ओके, तो हम इसको यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं। ओके, ये देखिए इस टाइप से, और अब मैं यहाँ से इस लाइन से कमांड से बाहर आ जाता हूँ एंटर। तो देखिए हमने ये इसको इतना ट्रेस कर दिया, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये थोड़ा बाहर है, तो मैं इस पर इस लाइन पर क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, इसके जो फिट पॉइंट है उनको थोड़ा रिमूव करके एडजस्ट करता हूँ। तो आप इस टाइप से करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ पर लेके आऊँगा, और आपको क्लिक करना है और ऐसे ड्रैग करके इसको यहाँ पर क्लिक कर देना है दोबारा, एक बार और क्लिक करना है इसको, यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा इधर करता हूँ, और यहाँ पर एक बार और क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हम थोड़ा यहाँ पर रखते हैं इसे इस टाइप से, ओके। तो ये देखिए ये हमने इसका हाफ ड्रो कर लिया है, अब मैं यहाँ से इसको एक लाइन ड्रो करता हूँ इस पॉइंट से, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर लें, और अब हम जिससे स्ट्रेट लाइन ड्रो हो तो हम यहाँ से ऑर्थो मोड को भी ऑन कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक, और हम इसको यहाँ से मिला देते हैं और एंटर। तो ये देखिए यहाँ पर एक जो ग्लास है उसका हाफ हमने ड्रो कर लिया है, तो अब हम यहाँ पर जो सेकंड ग्लास है ये, इसको हम स्पाइन सीवी से ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पर जैसे ही आपको क्लिक करना है, और यहाँ से अब आप जब भी आप स्पाइन कमांड का यूज़ करेंगे तो इसको एफेक्ट की को ऑफ कर दें यहाँ पर आप। तो ये देखिए ऐसे हम यहाँ पर सेम उसी तरीके से इसको ट्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ी स्मूथनेस ज़्यादा दिखाई दे रही होगी स्प्लाइन सीवी में। तो ऐसे आप क्लिक करते रहना है, तो ये देखिए यहाँ पर हम एक बार और क्लिक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हम दोबारा इसको मिडिल तक ही रखते हैं और इसको एंटर कर देते हैं, जब हम कमांड से बाहर आ चुके हैं। तो ये देखिए हम इसको थोड़ा, अगर आपको एडजस्ट करना है ये तो इस पर क्लिक करिए, और जो इसके वर्टेक्स पॉइंट है उनको आप मूव कर सकते हैं ऐसे। ओके, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको ऐसे मूव करता हूँ, तो ये पूरा ओवरलैप हो रहा है जो ग्लास की इमेज है उसके ऊपर। तो इस टाइप से हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर एक उसी टाइप से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से इसको मिला लेंगे, और अब आपको रीजन कमांड का भी यूज़ पता लग गया है हम कैसे करते हैं। तो जैसे मैं REG सिलेक्ट करता हूँ और इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से हम 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, अब हम REV टाइप करता हूँ मैं, और अब इसको सिलेक्ट करूँगा एंटर यहाँ से, और हम 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, और इसको हम इस बार 270 करते हैं। ओके, एंटर।
तो देखिए ये ड्रॉ हो चुका है, ये देखिए इस टाइप से आप स्प्लाइन कमांड का यूज कर सकते हैं। देखिए 270 में ये 220 एंगल तक ही रिवॉल्व हुआ है। उसके बाद ऐसे 3D में भी इसका यूज कर सकते हैं स्प्लाइन कमांड का, और ऐसे इमेज ट्रेसिंग में हम इसका यूज करते हैं।